चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को राजस्थान के एक गैंगस्टर ने उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी दे दी है। पुलिस ने शुक्रवार को उस वेबसाइट को धमकाने और उगाही करने के मामले में जोधपुर कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए लॉरेंस ने कहा कि सलमान खान को यहां जोधपुर में जान से मार दूंगा, तब उसे हमारी वास्तविकता पहचान का पता चलेगा। गैंगस्टर का दावा है कि उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है और आरोपों को साबित करने के लिए आज तक अदालत में कोई गवाह नहीं हुआ है। लॉरेंस ने कहा कि अब अगर पुलिस मुझसे बड़ा अपराध कराना चाहती है तो मैं सलमान खान को जान मार दूंगा और वो भी जोधपुर में। सलमान खान के लिए विषय की मौत की धमकी 1998 के काले हिरण हत्या मामले से जुड़ी है, जिसमें सलमान और उनके सह कलाकारों पर आरोपी हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में फरवरी महीने में सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 16 फरवरी को पुलिस नियंत्रण कक्ष में इस सिलसिले में फोन आया। इसके बाद अगले दिन फिर फोन किया गया। उस वक्त पुलिस को यह फोन कॉल दक्षिणी मुंबई के मिरर लाइसेंस और उपनगरीय मलाड के पीसीओ से किया गया था। यह जानकारी पाते ही दर्शकों में भारी गुस्सा है पुलिस पर। आपको बताते चले कि सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टार टाइगर जिंदा है ने जहां बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाना चालू कर दिया था, उसकी बादशाहत फिर से अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जारी है, क्योंकि सलमान टाइगर जिंदा है ने अब तक पूरे देश में करीब 300 करोड़ से ऊपर का कमाई कर एक नया रिकॉर्ड बना चुका है।